हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. एंड आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बीएससी नर्सिंग. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. एएनएम जीएनएम वालों के लिए भी ये रिवीजन सीरीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है एग्ज़ाम्स में. तो शुरू से लेकर आपको एंड तक स्ट्रीम पर बने रहना है. आज हम लोग सुबह सुबह स्ट्रीम स्टार्ट कर दिए. कल थोड़ा इशू हो गया था, दैट्स वाई हम लोग स्टार्ट नहीं किए थे, बट अभी हम लोग वापस आ चुके हैं एक बार फिर से. देख लेते अभी कौन कौन आ गया चैट पे. अभी तो जीरो बचेंगे, अभी देख लेते क्या है. ठीक है, आने दो. उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोग के लिए एग्ज़ाम्स के लिए. ठीक है, 4 मार्क्स. आप 4 मार्क्स इमेजिन कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 1 मार्क है ना पर क्वेश्चन पे. बट यस, 4 मार्क्स में आप कितने को पीछे कर पाओगे. ठीक है, अगर मान लीजिए विवेकानंद पाल, वेलकम टू स्ट्रीम, हाउ आर यू एंड गुड मॉर्निंग, तो 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ से, मतलब इस चैप्टर से. ठीक है, ये दोनों चैप्टर मिला के. ठीक है, बसंत कुमार वर्मा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. एनीवे, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आज हम लोग पढ़ने वाले हाईलाइट से सारे, एंड 4 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला. कैसे हो? आई एम फाइन. सुनीना देवी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, सभी आ गए हैं. एंड मैंने कल भी बताया था आपको कि दैट्स यहाँ से 4 मार्क्स के लिए, मतलब PYQ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्वेश्चन था वो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिल रहे थे, 8 और 10 से. ठीक है, चैप्टर 8 एंड 10 यहाँ से. ठीक है, मैं एक बार कलर हाईलाइट कर देता हूँ. प्योर रेड है ना ये? यस, हाँ ठीक है, प्योर रेड है. ठीक है, तो कैसे हो सभी लोग, एंड सबको गुड मॉर्निंग. एंड यहाँ पर ये रिवीजन सीरीज़ है, हम लोग MCQ भी करेंगे. ठीक है, बट यहाँ पर देखो सारे हाईलाइट्स करके मैंने लाया हूँ PDF. एंड ये सब हाईलाइट्स आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अगर आप रिवीजन कर लेते हो ना ये सीरीज़ का, मतलब क्या क्लास, मतलब चैप्टर 8 और 10 का, देन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में. अगर आप MCQ करते हो तो वो भी बढ़िया है, बट रिवीजन फर्स्ट है. ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है देन यहाँ पर आपको, मतलब कोई इशू नहीं आएगा MCQ सॉल्व करने में. ठीक है, तो हम लोग क्या स्टार्ट करें एक बार चैट में बता दो. शुड वी स्टार्ट? आप बोलोगे देन स्टार्ट करेंगे हम लोग चैट पे. प्लीज़ बता दो कि रिवीजन स्टार्ट करें या नहीं. यहाँ पर देख सकते हो व्हाट इज सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल. यहाँ पर स्टार्ट कीजिए. ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो देखो यहाँ पर 8.1, 8.2, 8.3 में डिवाइडेड है ये पूरा चैप्टर इतना, एंड यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, इतने सारे, मतलब 8.5 में. गुड मॉर्निंग खुशी, वेलकम टू स्ट्रीम. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. ठीक है, अभी विदाउट डिले, थोड़ा सा इशू होगा कभी कभी, मैं तो माइक ऑफ करूँगा. ठीक है, तो यहाँ पर देख लो व्हाट इज सेल. सबसे पहले क्या है सेल, क्या है. ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं. ये वाला चैप्टर थोड़ा ब्लर आ रहा है क्या PDF? हाँ, PDF थोड़ा हाई क्वालिटी का है तो लो, मतलब क्या है, लोड हो रहा है इसलिए. तो यहाँ पर देख लो, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. फिर है दूसरा में परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. ठीक है, सेल का ये मेन जो हाईलाइट्स है ये पॉइंट है. ठीक है, ये दो पॉइंट आपको दिख रहा है वो. ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एनीथिंग लेस देन ए कम्प्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एनश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. ठीक है, कम्प्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एनश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. ठीक है, विदाउट कम्प्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोई भी मतलब टिश्यू है या फिर ऑर्गेन है, विदाउट कम्प्लीट स्ट्रक्चर का ये एनश्योर नहीं करता कि दैट इज़ लिविंग और नॉट. ठीक है, हैंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सेल जो है फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल दोनों, स्ट्रक्चरल मतलब जो हमारा बॉडी शेप है वो. ठीक है, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका फंक्शनल यूनिट है सेल. ठीक है, अभी यहाँ पर देख लेते हैं एंटन वॉन लिनवॉक, एक साइंटिस्ट का नाम आ गया है ये एंटन वॉन लीवेनबर्ग. फर्स्ट सॉ द डिस्क्राइब्ड ऑफ ए लाइफ सेल. ये हाँ,
ठीक है। और यहाँ पर देख लो, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया था सेल का, ठीक है। अब यहाँ देख लो, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन्वेंशन हुआ था, देन अ स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल, मतलब तब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर फाइंड कर पाए थे, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इन्वेंट हुआ था, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर डिटेल सेल का फाइंड किए थे, ठीक है। अभी यहाँ सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देख सकते हो यहाँ पर, इन 1838 मैथिस किल्डन एंड जर्मन बोटानिस्ट, ये जर्मन बोटानिस्ट है मैथिस किल्डन, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। एंड यहाँ डेट जो दिया हुआ है 1838, ठीक है। एग्जामिनेड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ प्लांट, ठीक है। अबाउट द सेम टाइम थियोडोर, यहाँ पर एक और साइंटिस्ट का नाम है थियोडोर स्कॉन, ठीक है, 1839। ये थियोडोर स्कॉन आपने सुना होगा नाम, साइंटिस्ट का नाम सॉन, एंड ये 1839 में रिसर्च किए थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, इसने एनिमल सेल के बहुत सारे टाइप को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टडी किया था। एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड ए थिन आउटर लेयर, एंड इसी ने रिपोर्ट किया था कि जो सेल है, कोई भी सेल है, तो इसका थिन आउटर लेयर होता है, जो आपको पता होगा एपिडर्मिस, इसे कहते हैं थिन आउटर लेयर सेल को, क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एंड यहाँ देख लो, विच इज़ टूडे नॉन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो इसने बताया थिन आउटर लेयर, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, बट मैं वो बॉडी का आउटर कवरिंग को बोल रहा हूँ, बॉडी का जो हमारा बॉडी का आउटर कवरिंग है, उसे एपिडर्मिस कहते हैं। एंड यहाँ पर जो एक बार नेटवर्क जा रहा आ रहा है यार, ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ये यूनिक कैरेक्टर कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो हाईलाइट्स पॉइंट जितने भी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, सॉन प्रपोज द हाइपोथेसिस ऑफ द बॉडीज, ठीक है, बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, स्किल्डन एंड सॉन टूगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। यहाँ पर देख लो, सिल्डन एंड सॉन, इसने फॉर्मुलेटेड मतलब कि सेल थ्योरी को दिया था, यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है, सिल्डन एंड सॉन। तो यहाँ पर लिख सकते हो, दिस थ्योरी हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज इट हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड, बट ये थ्योरी है था ना जो एक्सप्लेन नहीं करता था कि न्यू न्यू सेल्स कैसे बनता है। सेल थ्योरी जो सिल्डन एंड सॉन ने जो दिया था, उससे ये नहीं पता चलता था कि न्यू सेल्स कैसे बनते, ठीक है। यहाँ पर हमारा फिर ये सेकेंड देख लो क्या है, रडल्फ विस्चो 1885 में फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। रडोल्फ विस्चो 1885 में फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। रडोल्फ विस्चो ने 1855 में एक्सप्लेन किया था कि सेल कैसे डिवाइड होता है एंड न्यू सेल्स कैसे बनता है, ठीक है। एंड उसी को शॉर्ट्स में दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ये जो ओमनी सेलुला ई सेलुला है, इसका मतलब ये होता है, दैट्स हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ न्यू सेल्स आर डिवाइड, ऑलराइट, डिवाइड एंड फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लो, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ सिल्डन एंड सॉन, ठीक है। जो सिल्डन एंड सॉन ने सेल थ्योरी दिया था, उसको मॉडिफाई किया था टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। सेल थ्योरी का फाइनल शेप क्या कहते हैं, जो फाइनल कंप्लीट सेल थ्योरी है, वो इसने दिया था, देख लो रडोल्फ विर्चो, इसने देखो मॉडिफाइड किया है, देखो मॉडिफाइड एंड हाइपोथेसिस ऑफ सिल्डन एंड स्कॉन टू गिव सेल थ्योरी फाइनल शेप। फाइनल शेप मतलब कंप्लीट सेल थ्योरी, यहाँ पर रडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाई करके दिया, ठीक है। अभी यहाँ देख लो, सेल थ्योरी एज अंडरस्टैंड टूडे, ठीक है, मतलब इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं सेल थ्योरी को, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेल से बने होते हैं एंड सेल के ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स। एंड ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यहाँ देख लो कहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है, ये अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं हाईलाइट पढ़ के सिर्फ दिखा रहा हूँ बस, ओनली यहाँ देख लेते हम लोग। बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। देख लो, ऑर्गेनेल्स का एक एमसीक्यू भी बन सकता है, बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव
द मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ऑर्गे व्हाट इज ऑर्गेनेल्स, एंड यहाँ पर डेफिनेशन भी आपको पूछ सकता है, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्टकट क्या होता है? ER। सालीन सर BSc, सर BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन? अच्छा ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, बट यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन सीरीज चल रहा है, सॉरी। मतलब यहाँ पर क्या होता है, मैं लास्ट में बता दूंगा सारे जितने भी डाउट्स हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है, सो क्या कहते हैं, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकेरियोटिक एज वेल प्रोकैरियोटिक एंड विद इन द सेल। द राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म, बोल रहा सेल के अंदर राइबोसोम जो पाया जाता है ओनली साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है, बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स क्रोमोप्लास्ट, सॉरी क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ये क्या है हमारा राइबोसोम, राइबोसोम जो दिख रहा है आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट, मतलब प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, एंड रफ ईयर मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ देख लो, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम। ठीक है, एनिमल सेल्स जो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड वाला, वो क्या उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम, विच हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। फिर यहाँ देख लो, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज। ठीक है, जो सेल जो डिवाइड होता है वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। शेप एंड एक्टिविटीज़ फिगर 8.1 में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स। देख लो, एक क्वेश्चन यहाँ पर से भी बन सकता है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, ठीक है, आर ओनली 0.3 म्यू नाम से वो डायग्राम हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। देख लो यहाँ पर क्या है, रेड ब्लड सेल्स राउंड एंड बाई कॉनकेव। ठीक है, RBC यहाँ पर देख लो, ये RBC है, एंड यहाँ पर देख लो रेड ब्लड सेल्स राउंड एंड बाई कॉनकेव। ये राउंड होता है एंड ये चपटा होता है, देखो यहाँ बॉडी जो दिख रहा है ना आपको इस तरीके से, वो RBC, दिस इज़ RBC। एंड वाइट ब्लड सेल्स ये एमीबॉइड स्ट्रक्चर में होता है, जैसे कि देखो तो एमीबॉइड मतलब दिस इज नॉट डेफिनेट शेप। ठीक है, तो WBC हो गया। फिर कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स, कॉलमनार में देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम्स बना हुआ है ना, तो ये लॉन्ग एंड नैरो होता है। फिर हम लोग नीचे स्लाइड करते हैं, एंड ये हमारा नर्व सेल है, दिस इज़ नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग नर्व सेल, दिस इज़ नर्व सेल, एंड ए ट्रैकिड एलोंगेटेड मीजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल। फिर यहाँ पर देख लो, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, लास्ट में पढ़ा था ये वाला। ठीक है, माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 म्यूमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का कितना होता है क्या कहते हैं सेल साइज़, ये सेल साइज़ है। ठीक है, देख लो यहाँ पर लेंथ में 0.3 म्यूमीटर। ठीक है, अभी बैक्टीरिया का हम लोग देखते हैं, बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 म्यूमीटर। ठीक है, बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो 3 to 5 म्यूमीटर, एंड माइकोप्लाज्मा का 0.3। ठीक है, तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ठीक है, एस्ट्रिक का ऑग्स एग जो है वो लार्जेस्ट सिंगल सेल है। ठीक है, ये याद रखना, ये इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अमॉन्ग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन RBC आर अबाउट 7.0 म्यूमीटर इन डायमीटर। ह्यूमन RBC का जो डायमीटर होता है वो 7.0 म्यूमीटर होता है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। ठीक है, नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट सेल्स होता है। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन दिस शेप, दे मे डिस्क लाइक पॉलीगोनल कॉलमना क्यूबॉइड थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, नर्व सेल ऑफ सम लॉन्गेस्ट सेल, यहाँ पर देखो सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। ठीक है, सेल्स कितने टाइप के हो सकते हैं यहाँ पर ये पूछ रहा है शेप में। ठीक है, दिस मे डिस्क लाइक, डिस्क लाइक यू नो राउंड एंड पॉलीगोनल एंड क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जो आपने देखा इस तरीके से, एंड थ्रेड लाइक मीन ऐसे थ्रेड, और इवन इरेगुलर, इरेगुलर मतलब कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीके से भी सेल का शेप होता है। ठीक है, द शेप ऑफ सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब सेल का शेप परफॉर्म क्या कहते हैं डिफरेंट होता है जैसा कि उसका फंक्शन होता है। ठीक है, जिस टाइप से सेल का फंक्शन होता है उसी टाइप से सेल का शेप भी होता है, सिंपली आप ये समझ लीजिए। फिर यहाँ पर आगे हम लोग प्रोकैरियोट सेल में, ठीक है,
प्रोकैरियोटिक सेल्स, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड PPLO। PPLO का फुल फॉर्म क्या है? प्लोरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, ठीक है। PPLO जो है वो साइज में स्मॉलर होते हैं एंड मल्टीप्लाई रैपिडली, मतलब फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देन द यूकैरियोटिक सेल्स, फिगर पे 8.2 यहाँ पर दिया हुआ है, दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप, साइज में बड़े होते हैं, शेप एंड साइज में, ठीक है। द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलस, बेसिक शेप यहाँ पर बता रहा है बैक्टीरिया का, लाइक बेसिलस, जो बेसिलस जो आपने रॉड लाइक देखा होगा, यहाँ पर आगे देख सकता है बेसिलस एंड कॉकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा लाइक एंड स्पायरलम, ठीक है। ये जो शेप दे रहा है वो कॉमन शेप है, फोर बेसिक कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया। आगे आपको दिखा सकते हैं डायग्राम है क्या, हाँ यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला देख लो वायरस का, ये वाला वायरस है एंड इसका साइज़ यहाँ देख लो 0.02 से 0.2 म्यूमीटर। फिर यहाँ जो PPLO हम लोगों ने पढ़ा था ये उसका साइज़ है, फिर टाइपिकल बैक्टीरिया एंड मैनी मोर। एक बार यहाँ पर डायग्राम दिया कि इन लोगों ने डायग्राम नहीं दिया है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर समझ लो कि जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ग्रेटली इन शेप एंड साइज, द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया दिया हुआ है, ये रॉड लाइक है, स्पैरिकल है, कॉमा एंड कॉमा शेप्ड है एंड स्पायरलम है। इसका डायग्राम यहाँ पर दिख नहीं रहा है बट बुक्स में है, ठीक है। फिर यहाँ देख लो, प्रोक्रिएट हैव ए सेल वॉल, ठीक है। प्रोक्रिएट में सेल वॉल होता है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर सेल वॉल होता है, सॉरी प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर सेल वॉल्स होते हैं, डायग्राम में आप देख सकते हो, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं हो, सॉरी सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। द फ्लूड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल इज साइटोप्लाज्म, जो फ्लूड भरा हुआ होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, आई मीन कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेग्ड, जेनेटिक मटेरियल लाइक DNA एंड RNA टाइप के जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो नेग्ड, नेग्ड मतलब खुटनेट कट रहा है थोड़ा सा इंटर, अभी ठीक आ गया, ठीक है देख लो। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट में, तो जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेक्ड, नेक्ड मतलब ओपन आई से आप देख सकते हो, ओपन आई मतलब माइक्रोस्कोप से, बैक क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप से, हाँ, नॉट नॉट एनवल्ड बाई ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट जो होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बाउंड नहीं होता है। एमडी खालिद वेलकम टू स्ट्रीम। इन एडिशन टू द जेनोमिक DNA द सिंगल क्रोमोजोम सर्कुलर DNA, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर DNA आउटसाइड द जेनोमिक DNA, दिस स्मॉलर DNA आर कॉल्ड प्लाज्मिड, देख लो यहाँ पर स्मॉलर DNA जो होता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं। एंड द प्लाज्मिड DNA कन्फर्स सर्टेन यूनिक फीनोटाइपिक कैरेक्टर्स सच बैक्टीरिया, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड DNA इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन DNA, ठीक है। देख लो यहाँ पर रेसिस्टेंट टू एंटीबॉडीज, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस इज प्लाज्मा, DNA इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देख लो यहाँ पर DNA इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन DNA, DNA जो होता है वो फॉरेन DNA को मॉनिटर करता है हमेशा, कोई मतलब अलग से कोई बैक्टीरिया जाता है, जैसा कि आपने कोविड में सुना होगा कि जो कोविड वायरस होता है वहाँ पर जो DNA है वो डिजेबल हो जाता है। डिजेबल मतलब क्या, ये जो चेंज फेस मतलब जो जिस तरह से बोलते हैं ना कि ये मॉनिटर करता है DNA किसी भी बैक्टीरिया को बॉडी मेंटेन करते टाइम, बट कोविड के टाइम कोविड वाला कोविड जो है मतलब कि कोरोना वायरस उसको मॉनिटर क्यों नहीं कर पाया, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी है वो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो फॉरेन DNA को मॉनिटर करता है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। बट हमारे बॉडी में जब कोविड मतलब में कोरोना वायरस जाता है देन वहाँ पर मॉनिटर क्यों नहीं करता है वो लोग, ठीक है। तो वो वाला वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बता दूंगा बाद में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे बढ़ते, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट, ठीक है। यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। नो नो ऑर्गेनल्स लाइक वर्म्स यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, देखो राइबोसोम में लाइक वर्म यूकैरियोट एंड आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल्स, एक सेकेंड,
प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, ठीक है, ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम, डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, दे आर एसेंशली इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन टाइप से कुछ MCQ आया था, आप लोगों ने देखा होगा। फिर यहाँ देख लो, सेल इन्वॉल्व एंड इट्स मॉडिफिकेशन, देख लो यहाँ पर सेल इन्वॉल्व एंड मॉडिफिकेशन पढ़ने वाले हम लोग। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पार्टिकुलरली द बेस्ट बैक्टीरियल सेल हैव केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप, ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है पार्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स में कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है। चंदा देवी वेलकम टू स्ट्रीम। द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड थ्री लेयर स्ट्रक्चर आइदर आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का आउटर लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, देखो आउटर मोस्ट लेयर दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉलोड बाय द सेल वॉल, सेल वॉल से ये क्या कहते हैं, सेल वॉल के बाद होता है एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। ऑल दो ईच लेयर ऑफ द इन्वेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, जितने भी तीन लेयर्स यहाँ पर जो बोला है तीनों का अलग अलग फंक्शन है। दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, कि अगर मतलब ये साथ में मिलकर सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट मतलब कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल इन्वेलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीडर डेवलप्ड बाय ग्राम वीज, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर देखो, हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट तक देखा था, ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, मतलब बैक्टीरिया दो दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल इन्वेलप, एक सेल इन्वेलप के बेस पे हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीडर डेवलप्ड बाई ग्राम वीज, आपको पता है स्टेनिंग इज ए प्रोसेस, आप लोगों ने अगर आपको पता है लैब में देखा होगा सस्टेनिंग प्रोसेस, जैसे कि जो ग्लास होता है उसमें बैक्टीरियाज ले लेते हैं एंड उसके ऊपर सस्टेन करते हैं बाय द ब्लू इंक टाइप का एक लिक्विड होता है, एंड सस्टेन करने के बाद वो कैसा मैनर शो करता है, मतलब वो दिखता है या नहीं दिखता है। और ये जो स्टेनिंग प्रोसेस है, ये स्टेनिंग एक लैब प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या कहते हैं चेक करते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज़ को। और ये स्टेनिंग प्रोसेस किसके द्वारा दिया गया था, दैट इज़ ग्राम वीज, ग्राम वीज ये पर्टिकुलरली साइंस है, साइंटिस्ट का नेम है ग्राम वीज, एंड इसने ये सस्टेनिंग प्रोसेस दिया था, ठीक है। एंड देख लो यहाँ पर, एक सेकंड मैं चैट पढ़ लेता हूँ, क्लास कब स्टार्ट हुआ है, क्लास अभी स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा देर नहीं हुआ, देख लो ना कितना मिनट हुआ है, 25 मिनट्स। एंड फिर यहाँ पर देख लो, एक सेकेंड मैं इसको कर देता हूँ अंदर। ग्राम वीज ने दिया था स्टेनिंग प्रोसेस, और स्टेनिंग प्रोसेस जैसे बैक्टीरिया को हम लोग चेक कर सकते हैं दैट दिस इज़ विजिबल और नॉट, दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव, जो ग्राम स्टेन में विजिबल होते थे, ठीक है, दोज स्टेन टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव, मैं बेसिकली समझा रहा हूँ, एक सेकेंड, यहाँ तो जगह है नहीं भाई, हाँ यहाँ लेफ्ट साइड है, ये कहाँ चला भाई, पेन कहाँ चला, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा है देख लो, पहले इसके इसके पढ़ लेते हैं, दोज दैट टेक अप ग्राम स्टेन यार ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा लैब में जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उन लोगों के पास क्या होता है, एक होता है इस तरीके का ग्लास होता है, ठीक है, जिस पर ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, इसी तरीके से ये ग्लास लेते हैं एंड यहाँ पर हम लोग स्मॉल स्मॉल बैक्टीरिया लेते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया इसके ऊपर रखते हैं एंड यहाँ पर एक लिक्विड होता है जिसे स्टेन कहते हैं, ये कलर में होता है, बैगनी कलर का होता है, ठीक है, और ये जो स्टेन है इसके ऊपर हम लोग चढ़ाते हैं एंड इसके बाद ये सनलाइट में हम लोग इसको सुखाते हैं, ठीक है। एंड अगर बैक्टीरिया विजिबल होता है, आई मीन बैक्टीरिया के ऊपर ये स्टेन आ जाता है, ठीक है, आपको ये क्या समझ आ रहा है, एक बारी प्लीज़ चैट में बता दो, मैं एक बारी फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हम लोग के पास ये ग्लास है, ये ग्लास है, ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग बैक्टीरियाज लेते हैं, मल्टीपल बैक्टीरियाज, मल्टी बैक्टीरिया तो मल्टीपल में होगा ना, फिर यहाँ पर एक लिक्विड आता है,
एक लिक्विड आता है, वो लिक्विड इसके ऊपर पूरा मतलब हम लोग मतलब क्या करते हैं, भिगो देते हैं मतलब ये ग्लास को, ठीक है, बैक्टीरियाज के बाद। तो क्या होता है, एंड इसको ड्राई करते हैं सनलाइट में, ठीक है, सनलाइट में ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद ये बैक्टीरिया के ऊपर ये जो कलर है बैगनी कलर का, अगर ये दिख रहा है मतलब बैक्टीरिया के सरफेस पे, अगर ये क्या कहते हैं ये जो लिक्विड है बैगनी कलर का वो दिख जाता है, तो उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन वही हुआ जो लिक्विड हम लोगों ने डाला ना, जो जो मतलब जिसके सरफेस पे ग्राम स्टेन आ जाता है कोई भी बैक्टीरिया के ऊपर, तो उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड अदर्स दैट डू नॉट, मतलब कि जिसके सरफेस पे वो स्टेन नहीं आता है, ग्राम स्टेन नहीं आता है, उसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ चैट में बता दो, ठीक है, मैंने ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव का बैक्टीरिया को कैसे यहाँ पर चेक किया जाता है स्टेनिंग प्रोसेस के थ्रू, तो वो मैंने आपको बताया, तो एक बार चैट में प्लीज़ बता दो। इस चैप्टर का एमसीक्यू कब करवाएंगे सर? हाँ, एमसीक्यू करवाएंगे, बट उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे देन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 4 मार्क्स मीन अराउंड, अगर आप किसी भी स्टूडेंट को 4 मार्क्स से पीछे छोड़ते हैं तो वो स्टूडेंट आपके पीछे रहेगा अराउंड क्या कहते हैं, 200 स्टूडेंट के पीछे रहेगा। मतलब कि अगर आपका मतलब मान लो किसी का आया 40 मार्क्स, एंड अगर आपका आ गया 40 मार्क्स, 44 मार्क्स, देन आप उसको पीछे कर दोगे 200 स्टूडेंट के बीच से, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया मतलब कंप्लीट, एंड ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रिवीजन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ देख लो, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स एक आउटर लेयर है बैक्टीरिया का जो डिफर इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट थिकनिंग होता है, ठीक है, सेल वॉल जो हम लोग आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल कहते हैं ना किसी भी बैक्टीरिया का, तो यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स इज ऑल्सो ये लेयर ऑफ फॉर बैक्टीरियाज। फिर यहाँ पर देख लो, इट कुड बी लूज सीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर, लूज सीथ, एक क्वेश्चन है इस तरीके से, लूज सीथ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, तो यहाँ पर देख लो, इट कुड बी लूज सीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर, बैक्टीरिया का जो लूज सीथ लेयर्स होता है तो वो स्लाइम, उसको क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। व्हाट इज योर क्वेश्चन? और सर कितने मार्क्स का एग्जाम होगा? 150 मार्क्स। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको डाउट्स नहीं लेने, ठीक है, लास्ट में आपको डाउट में बता दूंगा सारे, यहाँ पर हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं तो वो करने दे एक बारी भी, अगर बेस आपका डाउन होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। इन सम वाइल इन अदर्स इट मे थिक एंड टफ, ठीक है, कभी कभी ये थिक एंड टफ होते हैं जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो लेयर, ठीक है, कॉल्ड कैप्स्यूल, एंड इसको इसका इसका पूरा मतलब जो कंप्लीट है उसे कैप्स्यूल कहते हैं। क्लाइक देख लेते हम लोग, किसी भी बैक्टीरिया का सेल वॉल है, जो सेल वॉल वो डिफाइन करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, राउंड होना चाहिए, स्पायरलम होना चाहिए एंड कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो वो सेल वॉल डिफाइन करता है, एंड ये प्रोटेक्ट करता है ब्रस्टिंग के लिए, ब्रस्टिंग मतलब ब्लास्ट होना, जैसे कि इसके अंदर जितने भी मटेरियल्स है वो ब्लास्ट होकर बाहर ना जाए, बस इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए देख सकते हैं यहाँ पर, प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग। सर साउंड लो आ रहा है, साउंड लो आ रहा है, एक बार प्लीज़ बता दो सब लोग, साउंड तो प्रॉपर आ रहा है, मैं धीरे बोल रहा हूँ बट माइक एकदम सही लोकेशन पे, ठीक है, प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग, कोलैप्स और ब्रस्ट करने से बचाता है सेल सेल का सेप और सेल का सेप सॉरी सृष्टि। इस चैप्टर को एमसीक्यू प्रोवाइड कीजिएगा, एमसीक्यू तो मिलेगा ही आपको, बट यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है सर, आप भी जोश लगाए वो ठीक है, देखो साउंड सही है, एक बारी साउंड आप लोग वहाँ पर बढ़ा लो, ठीक है, मैं इसलिए धीरे बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीज़न है इसलिए, ठीक है, मैं बोल सकता था धीरे, मैं पर्सनल रूम नहीं है इसीलिए, बस इसलिए, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमीएबल, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ब्लर वीडियो है सर, हाँ ब्लर वीडियो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब पीडीएफ जो है वो लोड आ रहा है इसलिए, ठीक है, अभी देखो सही दिख रहा है क्या, आप क्वालिटी एक बार ही बढ़ा लो श्रेया प्लीज़, गो टू क्वालिटी सेक्शन एंड 480p कर लो या फिर 720p कर लो, ठीक है, हम लोग 720p स्ट्रीम कर रहे हैं, क्वालिटी कभी कभी फटेगा, देखो मैं अभी नीचे जाऊँगा ना तो देखो यहाँ पर जूम करूँगा या फिर इस तरीके से करूँगा तो देखो तो आपको ब्लर दिखेगा, बट कुछ देर बाद ये सही हो जाता है, ऐसा है, देखो सही हो गया अभी, देख लो यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स हम लोग यहाँ पर कैप्सूल तक कर लिया था, यहाँ पर देख लो सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग, बैक्टीरिया को ब्रस्ट एंड कोलैप्स होने से बचाता है सेल वॉल, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमीबल होता है नेचर एंड एंड इंटरैक्ट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट दैट यूकेरियोट। फिर यहाँ देख लेते हैं, इस स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीजोजोम विच फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटू सेल। मीजोजोम यहाँ पर देख लो स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, और विच इज़ फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है ये मीजोजोम इंटू सेल में, ठीक है। दिस एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आपको वेसिकल ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली, ये सेल वॉल को फॉर्म करता है। फिर यहाँ देख लो, फॉर्मेशन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। वो जो तीन ऑप्शन आपको ऊपर दिखे थे वो रेस्पिरेशन के लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है। सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कॉन्टेंट इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनो बैक्टीरिया। हाँ यहाँ पर देख लो, एक प्रोकैरियोट का नाम आया एंड साइनो बैक्टीरिया आया, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि प्रोकैरियोट का एग्जांपल पूछ दें एंड वहाँ पर अगर साइनो बैक्टीरिया दिखे तो काफ़ी बढ़िया होगा, ठीक है। देर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन टू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट्स, ठीक है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, देर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, कॉल्ड सॉरी एक बार फिर से करते हैं। देर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट। क्रोमेटोफोर उसे कहते हैं एंड उसमें पिगमेंट्स भी होते हैं। बैक्टीरियल सेल्स मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरिया सेल्स जो होता है लाइक प्रोकैरियोट एंड मीजोसोम्स, तो ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों होता है, मतलब कि मूव कर सकते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना हो देन वो मोटाइल एंड नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस तो ट्रैवल नहीं करते बट इसका ट्रैवल मेथड बहुत डिफरेंट होता है, आपको पता होगा। इफ़ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। देख लो काफ़ी मतलब ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपका। जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया है तो इसको एक जगह से दूसरे ट्रैवल करना है, देन यहाँ पर मोटाइल बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मोटाइल बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, मतलब कि लेग्स टाइप के होते हैं, ठीक है। ये जो लेग्स आपको दिख रहे हैं इसके थ्रू वो लोग मोशन करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। दैट इज़ मोटाइल एंड इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं क्या यहाँ पर फ्लैजिला। देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा आपको, फ्लैजिला में कन्फ्यूजन होगा एंड फिलामेंट हुक में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो दैट इज़ फ्लैजिला। मोटाइल बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है फॉर मोशन के लिए। फिर बैक्टीरिया सो ए रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। यहाँ क्या है, बैक्टीरिया सो ए रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। बैक्टीरियल इसमें मल्टीपल अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला का, तो वो बोल रहा है कि बैक्टीरिया में मल्टीपल अरेंजमेंट मतलब कि बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। एंड बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज़ कम्पोज ऑफ थ्री पार्ट्स। बैक्टीरियल का फ्लैजिला वो तीन पार्ट्स में, फिलामेंट है, हुक है, बेसल बॉडी है, ठीक है। इस तीन प्रकार के फ्लैजिला होते हैं बैक्टीरिया में। द फिलामेंट इज़ अ लॉन्गेस्ट पोर्सन और एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सर्फेस टू द आउटसाइड, ठीक है। ये आउटसाइड में होता है जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया। बिसाइड फ्लैजिला पिलाई पिली फिम्ब्राई आर ऑल्सो सर्फेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। आप लोग बोल रहे हैं कि रिविजन क्यों करवा रहे हो, 15 दिन में एग्जाम्स हैं। तो यस, ये दो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका एक बारी तो कर सकते हैं ना हम लोग, है ना। एक बार चैट में बता दो क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से। सारे चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आते हैं बट यहाँ पर आपको मल्टीपल क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, दैट्स वाई, ठीक है। यहाँ पर देख लो क्या है, हाँ बिसाइड कितने देख लेते एक बार में फिर से। ये जो फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी दिख रहा है ये जो फ्लैजिला का है वो टाइप है, ठीक है। द फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्सन एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सर्फेस ऑफ आउटसाइड, ये तो बताया जी। बायोमोलिक्यूल भी इम्पोर्टेंट है और उसका इसी में ही, ठीक है, देख लेते हम लोग। बिसाइड फ्लैजिला देख लो आप एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्सन एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सर्फेस टू आउटसाइड। यहाँ पर देख लो, बिसाइड फ्लैजिला पिलाई पिल्ली एंड फिम्ब्राई आर ऑल्सो सर्फेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट थोड़ा सा वर्ड है, पिलाई एंड फिम्ब्राई, ठीक है। ये क्या है,
ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द फेम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सरफेस स्ट्रक्चर में होता है, इसे पीला पिलाई एंड फिम्ब्राई भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर है बैक्टीरिया डू नॉट प्ले रोल इन मोर्टिलिटी, बैक्टीरिया जो है वो मोर्टिलिटी नहीं करता है, बट उसका फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला होता है ना, उसके कारण वो मोटाइल होता है, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखा है डू नॉट प्ले ए रोल इन मोटिलिटी, द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ ए स्पोसल पोर्सन, ठीक है। पिलाई जो है इलोंगेटेड होता है, मतलब कि लॉन्ग होता है, एंड ट्यूबलर स्ट्रक्चर मतलब कि ये इस तरीके से होगा, लॉन्ग तो होता है प्लस ये ट्यूब लाइक होता है, ठीक है, मतलब कि इस तरीके से। ट्यूबलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, सॉरी मैं सो गलत पढ़ रहा था, स्पेशल प्रोटीन से बनता है। फिर है द फिम्ब्राई आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट द सेल, ठीक है। फिम्ब्राई आपने फिम्ब्राई जो है स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स होता है, ठीक है, फाइबर्स जो कि मैंने बताया था, ये इस टाइप के फाइबर्स बाहर होता है, मतलब कि मल्टी इस तरह से फाइबर्स बाहर आते हैं ना वो। फिर है स्प्राउटिंग आउट द सेल, पिलाई स्मॉल होता है फिम्ब्राई से, यहाँ देख लो ना, पिलाई आर एलोंगेटेड ट्यूबलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन एंड द फिम्ब्राई आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर, नो नो, फिम्ब्राई जो होता है वो स्मॉल होता है पिलाई से, ठीक है, देख लो यहाँ पर, स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर में होता है, एंड ये स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स होता है, ब्रिसल मतलब वही इस तरीके से, ठीक है। इन सम बैक्टीरिया दे आर नॉन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में है ये अटैचमेंट का काम करता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। टू रॉक्स इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो द होस्ट टिश्यू, ठीक है, इसका वर्क भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि कोई सा भी रॉक है, हाँ 12 दिन बचा हुआ पता है, कोई सा भी रॉक है तो यहाँ पर अटैचमेंट के लिए फिम्ब्राई यूज़ होता है, ठीक है, फिम्ब्राई, ठीक है। यहाँ पर देख लो राइबोसोम एंड इंक्लूज इन बॉडी, बारह दिन बचे हुए, काफ़ी डर लग रहा होगा मुझे पता है, मुझे भी थोड़ा सा सेवरल इशू हो रहा है, बट एनी वे इन प्रोकैरियोट राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, फ्लैजिला लॉन्गेस्ट होता है, ओके यहाँ पर स्किप कर देते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज, ठीक है। इन प्रोकैरियोट द राइबो, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन प्रोकैरियोट राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड ऑफ टू सब्स्टिट्यूट 50S and 30S सब यूनिट्स, ठीक है। ये जो 50S यूनिट्स जो आपको दिख रहा है 30S उनसे बना हुआ होता है प्रोकैरियोट एंड राइबोसोम, विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फ्रॉम 70S प्रोकैरियोट राइबोसोम, ठीक है। यहाँ पर देख लो राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम एंड सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA, ठीक है, सिंगल mRNA में राइबोसोम्स अटैच होते हैं एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉली राइबोसोम्स एंड पॉलीजोम, द राइबोसोम ऑफ पॉलीजोम ट्रांसलेट द mRNA इंटू प्रोटीन, ठीक है, राइबोसोम ऑफ पॉलीजोम ट्रांसलेट, ठीक है, राइबोसोम ऑफ ए पॉलीजोम ट्रांसलेट द mRNA इंटू प्रोटीन, प्रोटीन mRNA को ट्रांसपोर्ट सॉरी ट्रांसलेट करता है इन प्रोटीन में। फिर यहाँ पर आगे इंक्लूजन बॉडी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म, एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रैनुअल्स, साइनोफाइसियन ग्रैनुअल्स एंड ग्लाइकोजेन ग्रैनुअल्स, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी के रूप में, ठीक है, दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, ये किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होते हैं, लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रैनुअल्स, साइनोफाइसियन ग्रैनुअल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल
एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल किस में पाया जाता है? दैट इज़ यहाँ पर दिया हुआ ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में। फिर यहाँ पर आगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स, तो यहाँ देख लो यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड द ऑल प्रोटिस्ट, मतलब यूकैरियोटिक सेल में सारे प्रोटिस्ट आ जाते हैं, ठीक है। कैटेगरी से ये प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई ये सारे यूकैरियोट में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज़ एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। यूकैरियोटिक सेल पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है विद न्यूक्लियर इन्वेलप। इन्वेलप मतलब क्या? उसका प्रोटेक्शन लेयर। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इंटू क्रोमोजोम, ठीक है। यूकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक सेल है वो देख लो यहाँ पर, देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इंटू क्रोमोजोम। क्रोमोजोम्स में जेनेटिक होता है, ठीक है। क्रोमोजोम्स पे भी नंबर आ सकते हैं, सॉरी क्रोमोजोम पर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं सभी आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज अ फॉर्मर पोजेस सेल वॉल्स, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल सेल में सेल वॉल्स होते हैं, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लास्टिड भी होते हैं एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स भी होते हैं विच आर एबसेंट इन एनिमल सेल्स। सॉरी, ये प्लांट सेल में, प्लांट सेल की बात कर रहा है। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेस पोजेस सेल वॉल। प्लांट में सेल वॉल होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं विच आर एबसेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते हैं एंड सेल वॉल्स नहीं होते हैं एंड प्लास्टिड्स भी नहीं होते हैं। ऑन अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर एबसेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट। एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल होता है वो प्लांट सेल में नहीं होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट सेल में नहीं होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट सारे सेल में नहीं होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट ये सभी। हम लोग आगे वापस आ गए, आगे वापस आ गए हैं। सेल में नहीं होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट सारे सेल में नहीं होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट मैं एक बार ही बता देता हूँ सबको। एज यू मे रिकॉल ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल सेल वॉल फॉर्म्स एंड आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स, ठीक है। फंजाई एंड प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है वो आउटर कवरिंग को कही कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फंजाई एंड प्लांट्स, ठीक है, ये तीनों के लिए जो आउटर लेयर सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन, ठीक है। सेल टू सेल इंट्रेक्शन के लिए भी यूज़ होता है एंड प्रोटेक्शन के लिए तो यूज होता है, आपको पता होगा। एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। एल्गी हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज ग्लैक्टॉन्स मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट वाइल इन अदर प्लांट इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज हैमी सेल्यूलोज पेक्टीन्स एंड प्रोटीन्स। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल प्राइमरी सेल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी सेल्स होता है वो हमेशा ग्रोथ करते रहता है, ठीक है। प्राइमरी सेल्स कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज सेल मैच्योर्स एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर इनर साइड ऑफ सेल। द मिडिल लैमिला इज लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूको और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग ऑफ सेल्स टुगेदर। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमिला मे ट्रांसफर्ड बाई प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नाइबरिंग सेल्स, ठीक है। यहाँ पर एंड्रो मेम्ब्रेन सिस्टम वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ एज, ठीक है। एंड्रो मेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है जो कि इस बार ही हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देख लो यहाँ पर डायग्राम, दैट इज न्यूक्लियस एंड दैट इज न्यूक्लियोपो एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे जितने मैं बता रहा हूँ अभी स्क्रीन पे। यहाँ पर देख लो
ये कहाँ चला गया, पीछे आ गया। देख लो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मेनी ऑफ दीज आर कंसिडर टुगेदर एज एन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मेनी ऑफ दीज आर कंसिडर टुगेदर एज एन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन। ठीक है, आर कोऑर्डिनेटेड। द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या होता है ये पर दिया हुआ है, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, जॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोक्सीसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कॉम्पोनेंट्स, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER यहाँ पर दिया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकेरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो स्टडी किया गया था यूकेरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ऑब्जर्व किया गया था, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया था दैट टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्केटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्केटर्ड हो रहा है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पर एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, यूकेरियोटिक सेल में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो स्टडी किया गया था तो वो रिवील हुआ था दैट रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे जाल लगे, जाल जैसा मतलब था नेटवर्क जैसा, कि जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो यहाँ पर इस तरीके से जाल बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से फैला हुआ था नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्केटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये पूरा स्कैटर्ड हो रहा था एंड उसे ही हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। हैंस ER डिवाइड द इंट्रा सेलुलर स्पेस इंटू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, आइदर ल्यूमिनल इनसाइड ER एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। यहाँ पर दो दो कंपार्टमेंट में क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइडेड है, दैट इज़ ER इनर इनसाइड एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, आई मीन्स क्या कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल एंड इनसाइड ER, दैट इज साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। फिर यहाँ देख लेते हैं आर ई आर इज़ फ्रेक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। ठीक है, RER जो होता है इन्वॉल्व होता है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन में। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। आप लोग चैट में एक बार बता दो क्या सब सही है, क्या वीडियो एंड ऑडियो सब सही है, विजिबल है एवरीथिंग? चैट नहीं करो, मुझे पता ही नहीं चल रहा कुछ। प्लीज चैट पे बता दो। खुशबू कुमार यू वेलकम टू स्ट्रीम, आप 1 घंटे लेट आए हो। एक बार ही बता दो प्लीज़ कि स्ट्रीम सही है या मतलब क्या कहते हैं सब सही है क्या, वीडियो एंड ऑडियो? प्लीज़ ओके प्लीज़ मिंटू डोंट स्पैम। ठीक है, प्लीज़ आप आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे मत किसी के मिसबिहेव कीजिए प्लीज़। RER इज़ फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल्स, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन में इन्वॉल्व होता है RER। दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के कॉन्टिन्यूएशन में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। SER जो होता है आपको पता होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर देख सकते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स होता है इन एनिमल सेट, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज इन SER। ठीक है, एनिमल सेल में लिपिड जो लिपिड है स्टेरॉयडल हार्मोन जिसे कहते हैं, आई मीन एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है स्टेरॉयडल हार्मोन, और ये क्या करते हैं SER में सिंथेसाइज होते हैं एनिमल सेल्स में।
फिर हम लोग यहाँ पर जॉलजी अपरेटस आ गए हैं यहाँ पर। सर जी मैं गर्ल्स हूँ। एनी वे मुझे नहीं पता। कैमिलियो जॉलजी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। दीज वेयर लेटर नेम जॉलजी बॉडीज आफ्टर हिम। ठीक है, कैमिलो जॉलजी 1898 ये साइंटिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको मतलब कुछ भी मत बोल दीजिएगा, ये साइंटिस्ट है कैमिलो जॉलजी 1898। फर्स्ट ऑब्जेक्ट डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। दिस वेयर लेटर नेम्ड जॉलजी बॉडीज आफ्टर हिम। ठीक है, और इसको हम इसको रिसर्च करने के बाद उसने नाम दिया दैट इज जॉलजी बॉडी। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स और क्रिस्टी सिस्टरनाई ऑफ 0.5 μm टू 1.0 μm डायमीटर। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये बता रहा है दैट जॉलजी बॉडी में क्या होता है। जॉलजी बॉडी कंसिस्ट करता है फ्लैट डिस्क शेप सैक्स और सिस्टरनी, जिसका साइज होता है 0.5 μm एंड 1.0 μm इन डायामीटर। यहाँ पर एक बार एक जॉलजी बॉडी का डायग्राम देख लो, ये किस तरह से फ्लैट भी है डिस्क शेप भी है। यहाँ पर देख लो, एंड ये तो ये जॉलजी अपरेटस ही है। तो यहाँ देख लो फ्लैट डिस्क शेप इतने मतलब ये यहाँ पर शेप मेंशन है दैट इज फ्लैट डिस्क शेप सैक्स और सिस्टर्नी, जिसका साइज होता है 0.5 μm टू 1.0 μm इन डायमीटर। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू इच अदर। ये देखो स्टैक्ड है, यहाँ पर है फिर यहाँ पर है। स्टैक्ड मतलब क्या कहते हैं, एक दूसरे से मिला हुआ मतलब आसपास में। ठीक है, तो स्टैक्ड होता है इच अदर से। एंड वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन जॉलजी कॉम्प्लेक्स, मतलब मल्टीपल नंबर में प्रेजेंट होता है सिस्टर्नी इन जॉलजी कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर सिस्टर्नी मेंशन है क्या? यस, देखो यहाँ पर सिस्टर्नी यहाँ पर दिया हुआ है। जॉलजी कॉम्प्लेक्स में ये मल्टीपल नंबर्स में होता है। फिर यहाँ देख लो, द जॉलजी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वैक्स सिस और द फॉर्मिंग कॉन्वैक्स सिस और द फॉर्मिंग। ठीक है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द जॉलजी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रेटली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वैक्स सिस और सो सिस इन द फॉर्मिंग। अच्छा ठीक है, हम लोग क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, चैप्टर ख़त्म होने वाला है अभी लगभग। देख लो, फेस इन कॉन्केव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस द सिस एंड द ट्रांस फेसेस ऑफ द ऑर्गेनल्स आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। द जॉलजी अपरेटस प्रिंसिपली फॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकिंग मटेरियल्स। ठीक है, जॉलजी अपरेटस है जो आउटर लेयर है वो पैकिंग मटेरियल्स मतलब कि मटेरियल्स को पैकिंग के लिए यूज होता है। टू डिलीवर आइदर टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईयर फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द जॉलजी अपरेटस एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेस। बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये देख लो, द जॉलजी अपरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, जॉलजी अपरेटस इंपॉर्टेंट साइट होता है जहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म होता है। फिर यहाँ पर लाइसोसोम आ गए हैं, यहाँ पर देख लो, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन द जॉलजी अपरेटस। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड इन द वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। एंजाइम का एग्जाम्पल दिया, हाइड्रोलेजेस लिपिज प्रोटीज कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिमली एक्टिव एट द एक्टिव पीएच। दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेसिंग कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लिपिड एंड न्यूक्लियस। ठीक है, लाइजोसोम लाइजोसोम में जो क्या कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन के लिए यूज होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स लिपिड्स एंड न्यूक्लियस एसिड्स को डाइजेस्ट करते हैं। फिर यहाँ वैक्यूल्स है। अच्छा एक बार ये बताओ दैट वैक्यूल्स क्या होते हैं, क्या आप लोग बता सकते हो? कोई भी बता दो एक बारी, मतलब क्या ब्रीफ में बता दो एक बारी प्लीज़, वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स क्या होता है एक बार बता दो। यूजफुल फॉर द सेल, ये कहाँ से आउट होता है मतलब कि एक्सक्रीशन होता है वैक्यूल्स से। ठीक है, एंड यहाँ पर वाटर सैप्स भी बने हुए होते हैं। ठीक है, द वैक्यूल इज बाउंड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ठीक है, वैक्यूल जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इन प्लांट सेल
द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल. ठीक है, प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो 90% सेल का जो भाग होता है वो वैक्यूल्स होता है. ठीक है, इन प्लांट टोनोप्लास्ट फैसिलिएट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन्स. ठीक है, प्लांट में क्या होता है, टोनोप्लास्ट ही ट्रांसपोर्ट करता है आयन्स को एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन टू द वैक्यूल. हैंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, साइटोप्लाज्म से ज़्यादा होता है. इन एमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स. ठीक है, इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स होते हैं आर फॉर्म्ड बाय इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल. फूड पार्टिकल को क्या कहते हैं, इनटेक करने के बाद जो क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल फॉर्म होता है. फिर यहाँ पर अब आगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया एंड इससे ये माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम इससे आ गया तो, बट यहाँ पर जॉल्जी अपरेटस एंड जितने भी मैंने अभी बता दिए लास्ट टाइम पे तो वो सारे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पर देख लो माइटोकॉन्ड्रिया से इसका नाम क्या क्या साइंटिफिकली नेम ये क्या माइटोकॉन्ड्रियन, इसे माइटोकॉन्ड्रियन भी कह सकते हैं अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेशली टू टाइप्स फूड कॉन्ट्रैक्टाइल क्या लिख रहे हो आप, स्ट्रॉन्ग वेस्ट सैफ फूड केस जी सर, टू टाइप्स फूड कॉन्ट्रैक्टाइल. ऑल राइट, ये देख लो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया जिसे माइटोकॉन्ड्रियन भी कह सकते हैं अनलेस स्पेशली स्टेन्ड आर नॉट इजली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. जब तक इसे स्टेन नहीं करेंगे हम लोग तब तक ये विजिबल नहीं होता है माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसका स्ट्रक्चर आप इतना बड़ा छाप देते हो ना उसे बिना स्टेन किए नहीं देख सकते हो. ठीक है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स. ठीक है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व. ठीक है, सेल एंड शेप साइज के थ्रू भी हम लोग क्या कहते हैं इसे विजिबल बना सकते हैं, वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व. टिपिकली इट इज सॉसेज शेप्ड एंड सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल हैविंग ए डायमीटर ऑफ 0.2 से 1.0 μm एवरेज. ये एवरेज है 0.2 से 1.0. ठीक है, एवरेज होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एवरेज होता है एंड 0.5 μm. ठीक है, लेंथ होता है 1.0 से 4.1 μm. ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद आउटर मेम्ब्रेन. देखो ये सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो सॉसेज हम लोग ईट करते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ऐसा, तो जो सॉसेज हम लोग खाते हैं वो इस टाइप का है. ठीक है, तो इसी टाइप से माइटोकॉन्ड्रियन का ये डायग्राम है. ठीक है, फिर यहाँ देख लो माइटोकॉन्ड्रियन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इंटू टू एक्वस कंपार्टमेंट्स. द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट दो कंपार्टमेंट में डिवाइड है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन. ठीक है, डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इंटू टू एक्वस कंपार्टमेंट. दो एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होते हैं, एक्वस मीन लिक्विड एंड द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट. दो कंपार्टमेंट है. द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स. इनर कंपार्टमेंट दिया हुआ है वो होमोजीनियस और क्या कहते हैं क्या दिया हुआ है होमोजीनियस सब्सटेंस से भरा हुआ होता है. द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल. ठीक है, और जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना यहाँ पर क्या है, द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंसेस मैट्रिक्स. इनर तो डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस से भरा हुआ होता है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं. एंड द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल. ठीक है, मतलब जो आउटर लेयर है वो बाउंड्री, आउटर मेम्ब्रेन है वो बाउंड्री फॉर्मेशन करता है. द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टियाई. ठीक है, देख लो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया PYQ हमारा, है ना, कल क्वेश्चन करवाए थे सेम कि क्या कहते हैं इनर मेम्ब्रेन. देख लो इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टियाई, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टियाई. ठीक है, इनफोल्डिंग आपने देखा होगा. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, काफ़ी सबको पता है, स्किप करते इसे, और उसे क्रिस्टा भी कह सकते हैं. टूवर्ड्स द मैट्रिक्स द क्रिस्टा इंक्रीज द सर्फेस एरिया आर टू मेम्ब्रेनस हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन.
माइट्रोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। माइट्रोकॉन्ड्रिया जहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, वो लोग सेल्यूलर एनर्जी फॉर्म करते हैं और वो एनर्जी किस फॉर्म में होता है, एटीपी में। ठीक है, हैंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का पावर हाउस माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल। मैट्रिक्स जो है, जो इनर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन जो देखे हम लोग, वो क्या होता है, देखो यहाँ पर द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सेलुलर डीएनए मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रियन में सिंगल सेलुलर डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स राइबोसोम्स, जिसका 70S है, 70S राइबोसोम एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। द माइट्रोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में डिवीजन किससे होता है, फ्यूजन के थ्रू। फिर आगे हम लोग प्लास्टिड, प्लास्टिड में मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, इसका डायग्राम से ही क्वेश्चन आता है बेसिकली। देख लो, एक यहाँ पर हाईलाइट्स है, ये थाइलाकोइड। थाइलाकोइड्स क्या होता है, ये इस तरीके से होते हैं। ठीक है, ये पैरामेडिकल में लास्ट टाइम आ चुका है। ठीक है, ये बीएससी नर्सिंग में नहीं आया था, बट पैरामेडिकल में होता है। ये थाइलाकोइड है, यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दिखा दूंगा। ये पीवाईक्यू था, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अभी कोई भी बोलेगा कि सेल, सर मुझे सेल पढ़ा दीजिए, तो मैं उसको ये लिंक डायरेक्ट भेज दूंगा। ठीक है, तो ये थाइलाकोइड है एंड यहाँ पर ये डायग्राम ऑब्जर्व कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर थाइलाकोइड दिया हुआ है ना, एंड ये थाइलाकोइड पूरा राउंड मैंने छापा था, बट यहाँ पर देखो ये कट है, कटेड है, ये वाला थाइलाकोइड है। सारे स्ट्रोमा लैमेला है, थाइलाकोइड देख लिया आपने, ग्रेनम, ग्रेनम, हाँ ये ग्रेनम मैंने छापा था, जो मैंने डायग्राम अभी दिखाया आपको, मैंने छापा था वो था ग्रेनम। ठीक है, फिर दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ये पूरा पिंक कलर का जो लेयर दिख रहा है वो इनर मेम्ब्रेन है। फिर ये जो लेयर है वो आउटर मेम्ब्रेन है, एंड ये स्ट्रोमा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सरफेस स्ट्रोमा है। बेसिकली इसी से क्वेश्चन आएगा, अगर अगर इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक से आया, प्लास्टिक से आया तो। ठीक है, बिकॉज पानी पड़ रहा है बहुत जोर से। ठीक है, पानी पड़ रहा है जिसके कारण इंटरनेट कट रहा है। अभी देखो राइबोसोम कर लेते हैं हम लोग। द राइबोसोम यार ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर था जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया था, एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलेट 1953 में। राइबोसोम किसके द्वारा फर्स्ट टाइम देखा गया था, जॉर्ज पैलेट। खुशबू कुमारी इधर भी सर, ऑल राइट। जॉर्ज पैलेट 1953 में राइबोसोम को ऑब्जर्व किए थे अंडर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, एंड दे आर कम्पोज ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे आरएनए कहते हैं। ठीक है, उसमें ये कम्पोज होते हैं आरएनए से, एंड प्रोटीन एंड आर नॉट सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर ATS। ठीक है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जिसका क्या कहते हैं, ATS वाला राइबोसोम जो यूकैरियोटिक है, वाइल द प्रोकैरियोट राइबोसोम आर 70S। इच राइबोसोम हैज़ टू सब यूनिट्स। एक बार ये ATS एंड 70S का आप लोग मतलब बता देना, ठीक है, चैट पे अगर कोई है तो। वाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S, इच राइबोसोम हैज़ टू सब यूनिट, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट, फिगर 8.9 में दिया हुआ है। दैट इज लार्जर एंड दैट इज स्मॉलर। यहाँ पर मिक्स है राइबोसोम, क्या कहते हैं, यहाँ पर स्मॉलर एंड लार्जर दोनों यहाँ पर सब यूनिट आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे इस राइबोसोम हैज़ सब यूनिट लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। द टू सब यूनिट ऑफ ATS राइबोसोम आर 60S एंड 40S। एक कंप्लीट ATS राइबोसोम का जो डिवीजन होता है वो 40S में होता है, वाइल दैट ऑफ 70S राइबोसोम आर 50S एंड 30S। ठीक है, वाइल दैट 70S, और जो 70S राइबोसोम होता है वो 50S एंड 30S में डिवाइड होता है। हियर एस इज सेवेडबर्ग्स यूनिट। ठीक है, यहाँ जो 70S दिख रहा है आपको, वो उसका क्या कहते हैं यूनिट है, वो है सेवेडबर्ग्स। यहाँ पर याद रखना, जो एस होता है राइबोसोम में 70S, जैसे कि आपने सुना, एंड 50S, तो वो सेवेडबर्ग्स यूनिट है। स्टैंड फॉर द सैंडी मिशन कॉफिशियंट। ठीक है, सैंडी मिशन कॉफिशियंट भी इसे कह सकते हैं, एंड इट इज़ इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। और ये क्या करता है, राइबोसोम का डेंसिटी और साइज मेजर करता है। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम आर कंपोज ऑफ टू सब यूनिट। ठीक है, 70S एंड 80S राइबोसोम का दो यूनिट सब यूनिट होता है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। 80S वाला देखा आपने, 80S यहीं पर है, इसका सब यूनिट है 60S एंड 40S, एंड 70S वाला यहाँ पर है, 70S वाला ये है जिसका सब यूनिट है 50S एंड 30S।
फिर यहाँ पर आ गए हम लोग साइटो स्केलेटन, ठीक है। एन एलिब्रेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज अ साइटो स्केलेटन, ठीक है। द स्केलेटन द साइटो स्केलेटन इन सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट मोटिलिटी मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, ठीक है। साइटो स्केलेटल स्केलेटल से आपको क्या समझ में आता है, जैसे कि ये सपोर्टिंग होगा स्केलेटन, आपने सोचा होगा ह्यूमन स्केलेटन, दैट इज यहाँ पर भी स्केलेटल है सेल में भी, ठीक है। ये फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, एंड इट इज़ कलेक्टिवली तीनों को मिलाकर हम लोग साइटो स्केलेटल कह सकते हैं। साइटो स्केलेटन इज सेल इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। साइटो स्केलेटन मैकेनिकल सपोर्ट आई मीन सपोर्ट्स के लिए एंड मोटेलिटी मूवमेंट के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल, ठीक है, शेप का सेल के लिए। साइटो स्केलेटन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक था। एंड यहाँ पर एक डायग्राम है, दैट इज़ देख सकते हो, यहाँ पर पहला है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ एंड जो दूसरा है वो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी का, किसका, साइटोस्केलेटन का। सेक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजिला सॉविंग डिफरेंट पार्ट, अच्छा ये डिफरेंट पार्ट शो कर रहा है सीलिया एंड फ्लैजिला का, ये काफ़ी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको ऑब्जर्व करना भी कोई फ़ायदे वाला नहीं होगा, बट ये वाला थोड़ा सा है, ये आप याद रखना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। 70s 80s 10 कंज्यूम हो जाता है, यस यस यस, ये कन्फ्यूजन बहुत बहुत सबको रहता है, ठीक है। अगर आप मैथ वाले को बोलोगे भाई ये कैसे होता है तो वो मारेंगे भी तुमको। एंड यहाँ पर आ गया सीलिया एंड फ्लैजिला, ये तुम लोगों ने पढ़ लिया था ना बैक्टीरिया वाला, वो यहाँ पर ब्रीफ में दिया हुआ है तो इसको स्किप करते हैं। फिर यहाँ पर सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। न्यूक्लियस आ गया तो न्यूक्लियस पढ़ लेते हैं हम लोग, यहाँ पर न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है थोड़ा। न्यूक्लियस एज सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जो कि शुरू में ही आपको बताया था, मिंटू आप शुरू में ही थे, हाँ लाइव स्ट्रीम में आप स्टार्टिंग से ही है तो आपको पता होगा मैंने बताया भी था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831 में न्यूक्लियस का रिसर्च हुआ था बाय रॉबर्ट ब्राउन। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाइज वाज गिव द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग, ठीक है। और हाँ एक बात बोला जाता था दैट डिस्क्रिप्शन में आपको एक आस्क योर डाउट हियर करके लिंक मिलेगा, तो जब लाइव खत्म होगा ना तो वहाँ से वो वाला ऐप इंस्टॉल कर लेना, कोई सा भी डाउट रहता है तो वहाँ से वो वाला ऐप से आप पूछ सकते हो इनडायरेक्टली। आपको सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक करना है एंड आपका चैप्टर कौन सा है वो सेलेक्ट करना है एंड आपको एक टीचर मिल जाएगा, लाइव वन टीचर, ठीक है। एंड हो सकता है मैं भी मिल जाऊँ वहाँ पर, मैं भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वो वाला ऐप इंस्टॉल कर लेना, दैट इज़ नेम इज़ फिलो। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से नहीं। फिर यहाँ पर हम लोग रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली 1831 कर लिए। लेटरल लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाइज वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। द इंटरफेज न्यूक्लियस ऑफ ये सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग, ठीक है। क्रोमेटिन यहाँ पर देख लो क्या है, द लेटरल मटेरियल द लेटर मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाइज। डाइज डाइज एक टाइप का कलर होता है जो हम लोग लैब्स में देखा होगा डाइज, ठीक है, जो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा डैमेजेस, हाँ बॉडी डैमेजेस में, तो वहाँ पर जो डाइज है एक कलर होता है, ठीक है। द लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो मैटर है वो स्टेन किया जाता है बेसिक डाइज से एंड उसे क्या कहते हैं क्रोमेटिन। डाइज अगर आप किसी भी पार्टिकल में डाइज लगा दोगे, मतलब न्यूक्लियस में डाइज लगा के अगर आप उसे देखोगे तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा दिया गया था, फ्लेमिंग के थ्रू। फिर यहाँ देखते हैं हम लोग द इंटरफेज न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग, ठीक है। इंटरफेज न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ सेल, ये इंटरफेज न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग, किसी भी सेल का न्यूक्लियस जो डिवाइडिंग में नहीं होता तो उसे इंटरफेज न्यूक्लियस कहते हैं। हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड एलेबरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, ठीक है। इसमें हाईली एक्सटेंडेड एंड एलेबरेट न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं जिससे न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियाई, मैट्रिक्स एंड स्फेरिकल बॉडीज को न्यूक्लियाई कहते हैं। न्यूक्लियस ऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, या
सेल के ऑल एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, डिवीजन हो या फिर किसी चीज़ में। बिमलेस गंजू वेलकम टू स्ट्रीम। फिर देख लो न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियाई को न्यूक्लियोलस भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील दैट द न्यूक्लियर इनवेलप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग रिवील कर सकते हैं न्यूक्लियर इनवेलप को, विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विद अ स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर, कॉल्ड पैरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप इज इंटरप्टेड बाई माइन्यूट स्पोर विच आर फाउंड बाई फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। दिस न्यूक्लियर पोर्स आर पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आर एन एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन बोथ डिरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर एक दिख रहा है आपको, सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस दैट इज इरिथ्रोसाइट ऑफ मेनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। यहाँ देख लो, मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस एंड वुड यू कंसिडर द सेल्स एज लिविंग। क्या आप इसको लिविंग कहोगे, ये पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन है। सब मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, कुछ मैच्योर सेल्स होते हैं जैसे कि रेथ्रोसाइट में और मेमल्स में एंड सीव ट्यूब सेल्स में और वैस्कुलर प्लांट्स में, तो क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मिसिंग होता है, तो क्या आप उसे लिविंग कहोगे, तो ये क्वेश्चन एक टाइप का। फिर यहाँ पर देख लो, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का न्यूक्लियर मैट्रिक्स कंटेन न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन, ठीक है। यहाँ एक बार देख लो अच्छे से, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो कंटेन करता है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, ठीक है। द न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियाई जो है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, आई मीन राउंड, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इट इज़ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू करवाएं। हाँ, ये चैप्टर ख़त्म हो गया ना लगभग, देखो ख़त्म ही हो गया 19, हाँ ख़त्म ही तो हो गया। यहाँ देखो, ये वाला डायग्राम से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग न्यूक्लियस लगभग कर लिए हैं एंड यहाँ पर हम लोग आ गए हैं न्यूक्लियस का ही है ये सिस्टर क्रोमैटिड डिवीजन कैसे होता है ये वाला, ठीक है, क्रोमोसोम विद काइनेटिक कोर। एंड माइक्रोबॉडीज क्या है, देखो यहाँ पर एक बात कर लेते हैं इसको, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रोबॉडीज एंड दैट कंटेन वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। काफ़ी इजी था, बट ये वाला जो है ना, देख लो यहाँ पर सैटेलाइट भी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट मैं मार्क कर दे रहा हूँ एंड ये वाला जो ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन से भी, ये वाला पूरा डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कभी कभी। एंड इस बार ये मैं 90% चांस से कह सकता हूँ दैट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे न्यूक्लियस से। पिछली बार माइटोकॉन्ड्रिया एंड बहुत सारे ऊपर से आए थे, बट अभी इससे आ सकता है सर, ठीक है। नहीं नहीं मेरा नेटवर्क ख़राब है थोड़ा, ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूँ। मेरा वाईफाई भी पानी पड़ रहा है इधर, मतलब बहुत ज़ोर से रेन हो रहा है जिसके कारण नेटवर्क आ रहा है, और उसके बाद वैसे भी मेरा वाईफाई डिस्टेंस में, इसलिए तो यहाँ पर हम लोग का न्यूक्लियस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अभी आप लोगों को एमसीक्यू करना है, बट एमसीक्यू का एक प्रॉपर मैं आपको दूंगा, इसका जितने इंपॉर्टेंट होगी ना वो सारे मैं दूंगा, ठीक है। तो क्या हम लोग यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है, तो अब क्या करें इसको, अब आगे बढ़ाएं। यहाँ पर एक्सरसाइज है, हाँ एक बार एक्सरसाइज भी कर लेना, एक्सरसाइज भी कर लेना अगर आपने एक्सरसाइज बना लिया एनसीईआरटी का। मोस्टली नहीं बनाते एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, बट अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, तुरंत हो जाएगा, बस 5 मिनट लगेगा आपको। यहाँ तक तो आप कर ही दोगे। देखो यहाँ पर एक डायग्राम ऑब्जर्व कर लेते एक बारी, ठीक है, समरी पढ़ना आपको, समरी आप भी खुद से भी पढ़ सकते हो, दिस इज एक पेज में तो है ही है। ये ओनली बताया कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ है, बस यही, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम एंड न्यूक्लियस एक बारी फिर से अच्छे से कर लेना
एंड बात रहा एमसीक्यू का, हम लोग यहाँ पर करवा भी सकते हैं ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल तो हम लोगों ने कर लिया, देखो मैं दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल तो हम लोगों ने कर लिया, अभी जो चैप्टर 10 बचा हुआ है वो भी आज ही करेंगे, ठीक है। अच्छा ओके खुशबू कुमारी, आप अपडेटेड रहिए, अभी जस्ट विद इन 1 आवर मैं ब्रेकफास्ट करके लाइव आऊँगा, ठीक है। अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा, बट विद इन 1 आवर मैं, अभी 1 या 2 आवर टेलीग्राम पे अपडेटेड रहिए, मैं लिंक भेजूंगा, ठीक है। अभी एमसीक्यू करेंगे इसी, ये दोनों चैप्टर का, 8 और 10 का, 8 चैप्टर 8 एंड 10, ये दोनों का एमसीक्यू रहेगा। अराउंड 100 एमसीक्यू रहेंगे और सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो एक बारी देख लेना। अभी स्टार्ट करेंगे कुछ देर में, लाइक मैं ब्रेकफास्ट कर लेता इसके बाद, ठीक है। आई होप आपको ये लाइव पसंद आया होगा, एंड पसंद आया हो तो लाइक कर देना, लाइक करना मैंने एक बारी भी नहीं बोला, एक बारी, और आप लोग कर भी देते। ओके तो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। ठीक है क्लास को एंड करें क्या, एक बारी बता दो सारे। आज ही करेंगे सेल, आज कंप्लीट कर देंगे आप लोगों का। सर मेरा ट्यूशन है तो आप थोड़ा लेट में करवाइए ना प्लीज़। अच्छा ट्यूशन आपका, ठीक है तो 12 बजे तक करवा देते हैं, और क्या 12 बजे स्टार्ट कर देते हैं। ऑल राइट 12 बजे आप कंफर्टेबल हो, सभी लोग बता दो। 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा, आपको नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। एंड हम लोगों ने लाइन बाय लाइन करा है ये चैप्टर, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसने भी मिस किया वो एक बार इसे फिर से देख लेना, अगर आप नहीं लाइव में देखने जो मज़ा आता है वो ऑफलाइन में, मतलब क्या कहते हैं, बाद में देखने में मज़ा नहीं आएगा, बट एक बार ये देख लेना, ठीक है। सर ऑनलाइन एग्ज़ाम ये है या ऑफलाइन? हाँ यहाँ पर अभी जितने भी डाउट्स आप पूछ सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम जो होगा ना वो कंप्यूटर पर होगा, ठीक है, आपको कंप्यूटर में बैठना होगा, एंड वहाँ पर आपको एग्ज़ाम्स ऑनलाइन नहीं होते, मतलब कंप्यूटर पर होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं रहेगा एक तरह से भी, आपको कंप्यूटर में सारे टिक करने हैं क्वेश्चन, एंड वहाँ पर सबमिट करने हैं, एंड नेगेटिव मार्क्स सारे वहीं पर आपको कंप्यूटर में। क्या आपने CBT एक बारी भी दिया है क्या? अगर नहीं दिया तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे क्या होगा, एंड एग्ज़ाम हॉल में कैसे क्या होगा, एंड क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है। मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो। बेसिकली ये कंप्यूटर पर होगा, डेस्कटॉप पे होगा, डेस्कटॉप पे वहाँ पर आपको माउस से क्वेश्चन टिक्स करने हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा ईजी होता है, आप डरने की बात नहीं है, कंप्यूटर पे आपको बैठना है। और हाँ जिसने इसने फॉर्म नहीं भरा एक बारी व्हाट्सअप कर दो, ठीक है, और किसी को किसी का भी भरना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। सर नहीं दिए कंप्यूटर पे एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपली से आप जैसे कि OMR पे देते हो ना, क्लिक करते हो ना, बस उसी तरीके से, ठीक है। अच्छा मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे होगा, ठीक है, CBT का। आपको टेंशन लेने के कितने मार्क्स आने पर हो जाएंगे सर? एक्सर देखो BSc नर्सिंग का मार्क्स मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू कट ऑफ जाता है, ठीक है। कट ऑफ आपको पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा देन, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ कि 60+ सेफ स्कोर है, अगर आप 60+ ले आते हो देन सेफ स्कोर है जनरल और OBC के लिए, ये सेफ स्कोर है 60+, एंड SC ST वालों के लिए 45+, ठीक है, 45+, एंड हो सकता है 55 भी जा सके, ठीक है। SC का नहीं बात कर सकते, बट ST का बात कर सकते, ठीक है। SC का तो और भी कट ऑफ रहेगा, बिकॉज उसमें 5 सीट है ना। और हाँ फॉर्म भरोगे तो आप लोग जनरल से भर लेना, अगर SC वालों जनरल से भर लेना, और OBC का तो अपना सीट है ही 23, एंड ST का तो अपना सीट है ही बहुत ज़्यादा। बट अगर SC, देखो आप फॉर्म भरने के, इसीलिए मैंने अपना अपना व्हाट्सअप नंबर दिया था उस वीडियो में, दैट आप लोग फॉर्म भरोगे तो मिस्टेक करोगे, ठीक है। बेसिकली फिजिक्स में काफ़ी मैं भी नहीं करा सकता, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स है, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एंड क्वेश्चन आपने PDF में देख लिया होगा, जितने भी न्यूमेरिकल्स है एक पेज से कम से बनता नहीं है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर मैं जितने भी थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे एक बारी, अच्छा मिनटों में एक वर्क दे रहा हूँ आपको, दैट आपको ये ऑब्जर्व करके बताना है कि कितने न्यूमेरिकल्स थे एंड कितने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, आई मीन विदाउट न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, एक बारी बता देना, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे कभी भी। फॉर्म फिल कर दिए, हाँ ये मुझे पता, आपने बताया भी था, एक बार ये ऑब्जर्व कर लेना आप लोग कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितने न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कितने न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ठीक है, ये ऑब्जर्व कर लेना, सभी को मैं बोल रहा हूँ। सर आप बायो और कैम करवा दो, फिजिक्स खुद से कर लेंगे। अच्छा फिजिक्स तो खुद, बायो केमिस्ट्री का आपको टेलीग्राम पे सारे नोट्स दे दिए, ठीक है। वहाँ पर केमिस्ट्री मैं अकेले हूँ, ठीक है, एंड हो सकता है, देखो आज सेल करेंगे 12 बजे तक पूरा MCQ 100, एंड हो सकता है शाम को इवनिंग में 8 बजे केमिस्ट्री का कुछ करेंगे PDF, ठीक है, मतलब MCQ सारे MTG वाले।
हाँ दिया है मैंने CBT। ऑल राइट सर, केमिस्ट्री में बताइए ना प्लीज़, इंपॉर्टेंट चैप्टर। शालिनी, अगर आप टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किए तो टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो, ठीक है? टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने के बाद आपको वहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट MTG के सारे दे दिए मैंने, ठीक है? एंड MTG वन ऑफ द बेस्ट फॉर एंट्रेंस, ठीक है? दिस एग्ज़ाम के लिए अगर आपके पास MTG बुक है या फिर आर्यहैंड का, आर्यहैंड उतना प्रीफर नहीं करूँगा, बट MTG वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है? तो MTG कर लेना, है ना? आर्मी गर्ल, फाइव फाइव हेल्प दे दो। हाँ वो देंगे यार, आप लोग डिस्टर्ब मत, मतलब क्या कहते हैं, एक ही बात है मत बोलो बार बार, ठीक है? एंड आपने मिंटू मेहता नाम रखा है, दैट इज़ नॉट लुक लाइक गर्ल। आर्मी गर्ल, फाइव दे दो, मैं केमिस्ट्री तेरे को हेल्प दे दूँ यार। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग चैट कर सकते हो, ठीक है? अभी भी किसी का डाउट है तो एक बार पूछ लो, ठीक है? फटाफट से पूछ लो, मैं 5 मिनट में लाइव बंद करने वाला हूँ, और लाइव का नेटवर्क भी कट रहा है यार, कुछ भी हो रहा था। यूट्यूब पे होगा, हाँ यूट्यूब पे होगा। हम लोग कोई प्राइवेट प्लेटफॉर्म नहीं खोले या फिर कोई भी कोर्स सेल नहीं कर रहे हैं। आपने एक चैनल देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, बट वहाँ पर सारे जा रहे हैं एंड वहाँ पर परचेज कर रहे हैं। भाई कोई फ़ायदा नहीं है, आपने पेड कोर्स ले भी लिया है ना, कितने भी वहाँ पर वो लोग करा भी देंगे, वो बिहार से है, ठीक है? वो चैनल बिहार का है एंड वो करवा रहा है, क्या कहते हैं, पेड कोर्स करवा रहा है 400 का, एंड 1 महीना में एग्ज़ाम होने वाला है। देखो वो 1 महीने का 400 ले रहा है, एंड उसका रेटिंग देखिएगा प्ले स्टोर में ना, तो रेटिंग 3.8 है, एंड वहाँ पर कमेंट भी आ रहे हैं कि वो लोग कुछ भी क्वेश्चन MCQ करवा दे रहे हैं एंड इतने पैसे ले ले रहे हैं, ठीक है? ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है? फ्रॉड में आपको नहीं जाना, फ्रॉड वैसे होगा भी नहीं, आपको पता है। रोशन कुशवाहा फ्रॉम, ओके, ऑनलाइन पेड कोर्स लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। DTO क्या होता है मुझे पता नहीं है। DTO इज प्लेस नेम और आइदर एनी थिंग ऑर्गेनिक, सारे इम्पोर्टेंट है। आपने MCQ देखा ना, कल का देखा ना, प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री पूरा करवाए थे, उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर से 4 क्वेश्चन आए थे, स्ट्रक्चर और रिएक्शन से 2 क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ तक देख लो, फिजिकल से 6 क्वेश्चन थे। मैं सारे यहाँ पर आपको ऑब्जर्व, यही तो इसलिए तो मैंने कराया था, ठीक है? डाल्टनगंज, ऑल राइट भाई। MCQ में तुक्का मारने का कोई ट्रिक है, उसका भी ट्रिक बताएंगे, लास्ट तक बने रहना आपको चैनल पे, ठीक है? अगर देखो मैं पूरा ट्रिक बताऊंगा फाइनल कि लास्ट में क्या करना है, ठीक है? क्योंकि देखो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो देन वहाँ पर मैं पूरा ट्रिक बताऊंगा, अभी अभी मैं बता दूंगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? इसलिए लास्ट वाला वीडियो देख लेना, लास्ट एग्ज़ाम के 4 या 5 दिन पहले मैं बता दूंगा, ठीक है, क्या करना है वहाँ पर, अगर कुछ समझ ना आए तो। सो फनी मीना, ये क्या हो रहा भाई, मैं कुछ भी करके देख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? अभी कोई सा डाउट है तो पूछो, टाइम वास्ट मत करो, ठीक है? अभी हम ब्रेकफास्ट करने भी जाना है, इसलिए मेरा साउंड भी लो है, एंड साउंड लो होने का एक कारण ये है ना, साउंड लो नहीं आ रहा होगा बट मैं धीरे बोल रहा हूँ, फिर भी साउंड प्रॉपर जा रहा होगा, बट है ना कि एक इशू होता है, जैसे कि मैं पर्सनल रूम नहीं है, मैं यहाँ पर शिफ्ट हूँ हॉस्टल में, एंड एक और लड़का है तो वो सो रहा है, इसलिए क्या करें, हम तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े। देखो यहाँ पर होता ये है ना कि ओके सर आप जाओ ब्रेकफास्ट कर लो, ओके ठीक है, बाय सभी को, एंड मिलते हैं 12 बजे के बाद MCQ के साथ, ठीक है? और शाम को हो सकता है, 90% में चांस नहीं कर सकता बिकॉज शाम को मुझे नींद आती है, दैट्स वाई मैं 2 शिफ्ट में सोता हूँ, इसलिए एंड सोना मुझे काफ़ी बेकार लग रहा है, मुझे मुझे शिफ्ट करना है एक टाइम में बट हो नहीं पा रहा। और हाँ अभी आप सो रहे हो 2 शिफ्ट में तो वो काफ़ी बेकार है, ठीक है? आप ट्राई करो कि एक शिफ्ट में सो लो, मतलब कि 4 घंटे 4 घंटे इस तरीके से मत सो, एक शिफ्ट में 7 घंटे या 6 घंटे जितना सोना सो लो। यहाँ पे ज़्यादा लोग DTO से ही हैं क्या? सर आप कहाँ से हैं? रांची, एग्जैक्ट लोकेशन रांची है। ठीक है तो मिलते हैं अगले स्ट्रीम में, बाय बाय सबको, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो फॉर योर स्टडी।